धनंजय सिंह के आवास पर छापा पड़ा। जी हां, इस समय की बड़ी खबर आपको जानपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर धनंजय सिंह के आवास पर छापा डाला गया। पूर्व सांसद के घर जानपुर पुलिस का छापा डाला गया। आधा दर्जन गाड़ियों से पहुंची है मौके पर फोर्स। वहां पर बड़ी खबर इस समय की, धनंजय सिंह के आवास पर छापा मारा गया पुलिस की तरफ से। जानपुर से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धनंजय सिंह के आवास पर पुलिस की तरफ से छापा मारा गया। वहीं पर फोर्स के साथ में पुलिस पहुंची है छापा मारने के लिए। पूर्व सांसद के घर जौनपुर पहुंची है पुलिस। आधा दर्जन गाड़ियों से फिलहाल फोर्स के साथ में यहां पर पुलिस धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं उनके घर पर जौनपुर में छापे मारने के लिए पुलिस फोर्स के साथ में पहुंची है। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जौनपुर से धनंजय सिंह के आवास पर छापा मारा पुलिस ने। पूर्व सांसद के घर जौनपुर पुलिस का छापा। आधा दर्जन गाड़ियों से पहुंची है फोर्स छापा मारने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से मामला धनंजय सिंह का कुछ दिन से हाईलाइट हो रहा था, उसको देखते हुए पुलिस ने एक बार फिर से छापेमारी की है। पूर्व सांसद के घर पर जौनपुर में पुलिस की तरफ से फोर्स के साथ पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस समय आपको दिखा रहे हैं जौनपुर से, धनंजय सिंह के घर पर पहुंची है पुलिस छापा मारने के लिए। आधा दर्जन गाड़ियों से पहुंची है फोर्स के साथ में पुलिस। फिलहाल इसी खबर पर हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह जुड़ चुके हैं। राजवीर, क्या मामला, जिस तरीके से एकाएक धनंजय सिंह के यहाँ फिर से छापा मारा जाता है? बिल्कुल कैफ, देखिए ये थोड़ी देर पहले की ही खबर है और धनंजय सिंह चूंकि जमानत से बाहर है, अभी हाल ही में उन्हें जमानत मिली है MPML कोर्ट से और उसके बाद से ही कई अन्य मामलों में वो वांछित थे। इस और भी कई मुकदमे थे, मुकदमे धनंजय सिंह के ऊपर दर्ज थे जिनमें गिरफ्तारी होनी है। इसको लेकर ये उत्तर प्रदेश SPF का और उत्तर प्रदेश पुलिस का एक संयुक्त छापा है। उनका जो आवास है जौनपुर में काली कुत्ती जो जगह है, उनके आवास से तकरीबन आधे घंटे पहले ये पुलिस की टीम व SPF की टीम पहुंची है। और हालांकि जो जानकारी है वो जानकारी ये है कैफ की वहां पर धनंजय सिंह नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस की जो छापेमारी है, जो छानबीन है, पूछताछ है, वो उनके आवास पर चल रही है। जी राजवीर, जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ खबर आ पा रही है, कुछ जानने को मिला सूत्रों से कि क्या कुछ सामने निकल के मामले सामने अभी आए हैं? बिल्कुल, देखिए धनंजय सिंह अगर आप देखिए तो लखनऊ में जो सबसे चर्चित हत्याकांड रहा अजीत सिंह, उस हत्याकांड में भी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में वो नामजद है और बाकायदे इसको लेकर उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित है। यानी कि लखनऊ कमिश्नरेट से वो एक तरह से भगोड़े अपराधी हैं और इसको लेकर भी गिरफ्तारी का प्रयास धनंजय सिंह पर किया जा रहा है। और भी कई मामले हैं जिनमें धनंजय सिंह जिनके खिलाफ वांछित है और राजवीर, जिस तरीके से आपने बताया कि कई मामलों के चलते जिस तरीके से उनके ऊपर केस दर्ज हैं, इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, छापेमारी की गई। राजवीर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो खबर आपको इस समय की बता रहे थे जौनपुर से, फिलहाल जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, इसी खबर पर हमारे साथ में अजीत गिरी हमारे संवाददाता जौनपुर से जुड़ चुके हैं। अजीत गिरी, क्या कुछ मामला सामने निकल के आ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिली है जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है? लाल अजीत से हमारा संपर्क टूट गया है। तो खबर आपको हम बता रहे थे जौनपुर से, जहां पर एक बार फिर से जिस तरीके से आपको बता दें कि जमानत पर अभी फिलहाल धनंजय सिंह अभी कुछ ही दिन पहले जमानत से बाहर आए थे धनंजय सिंह, उसके बाद में एक बार फिर से पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है उनके ही आवास पर। फिलहाल खबर ये भी आ रही है कि अभी अपने आवास पर जौनपुर में धनंजय सिंह नहीं है, लेकिन पुलिस मौके पर फोर्स के साथ में पहुंची हुई है, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस समय की जौनपुर से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर धनंजय सिंह के आवास पर छापेमारी करने के लिए पुलिस पहुंची है। वहीं फिलहाल धनंजय सिंह अभी आवास पर नहीं है, धनंजय सिंह के आवास पर छापा मारा जा रहा है। पूर्व सांसद के घर जौनपुर पुलिस का छापा। बड़ी खबर इस समय की जौनपुर से आपको दिखा रहे हैं, आधा दर्जन गाड़ियों से पहुंची है पुलिस की फोर्स छापेमारी के लिए। कुछ ही दिन पहले फिलहाल में अभी धनंजय सिंह जमानत से बाहर आए थे। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर पर जौनपुर में पुलिस की छापेमारी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आधा दर्जन से गाड़ियों से अधिक यहां पर फोर्स पहुंची है। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों में जो अजीत सिंह हत्याकांड मामला था, जिसमें पुलिस ने फिलहाल आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर भी किया था, वहीं जिसके चलते अभी हाल ही फिलहाल में जमानत पर थे धनंजय सिंह, जिसके बाद में एक बार फिर से कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिली है। पुलिस आज उनके आवास पर जौनपुर छापेमारी के लिए पहुंची है। धनंजय सिंह के आवास पर आज छापेमारी के लिए पुलिस पहुंची है। बड़ी खबर इस समय की देख रहे हैं आप।
जौनपुर से। धनंजय सिंह के आवास पर छापे के लिए पहुंची है पुलिस फोर्स। पूर्व सांसद के घर जौनपुर पुलिस का छापा, बड़ी खबर। आधा दर्जन गाड़ियों से अधिक फोर्स पहुंची है। फिलहाल